अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं आप सब मज़े में होंगे। वेलकम है आप सबों का मिसबाह उन्निसा यूट्यूब चैनल पर। आज आप लोगों के लेकर आ गए हैं छोटी मोटी जो भूख लगती है चाय के साथ खाने के लिए ज़रूरत पड़ती है, तो उसके लिए बहुत ही आसानी से बनने वाली और घर की ही सारी चीज़ों से बनने वाली, जो बच्चों को भी बहुत पसंद आती है, बड़ों को भी पसंद आने वाली है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। और घर ही की सारी चीज़ों से बनने वाली थी। एक चम्मच यहाँ पर भरकर हमने बारीक वाली सूजी ले लिया है, जो सबके घर में लगभग मौजूद होती है, तो वही सारी चीज़ों से ये बन रहा है। ये आटा ले लिया है, ये 100 से 150 ग्राम के करीब आटा होगा, और इतना ही हमने मैदा ले लिया है, इससे थोड़ा कम। आप चाहे तो खाली आटा से बना लें, आप चाहे तो खाली मैदा से बना लें, आपके ऊपर है। तो ये थोड़ा हमने आटे से कम मैदा ले लिया है, और इन सारी चीज़ों के साथ ही बनाने वाले हैं। लगभग सारी चीज़ घर में मौजूद होती है और बहुत ज़्यादा लजीज बनता है। अब बनाएंगी तो कहेंगी। ये एक चम्मच भरकर उसी चम्मच से जिससे हमने सूजी ली था उसी से बेसन भी ले लिया, और सब कुछ इसमें वही मतलब हेल्दी लगभग चीज़ें हैं, बेसन है और आटा है, सूजी है, और थोड़ा सूखे मसाले का हमने यूज़ किया है, जिसमें 1/2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर और 1/2 टीस्पून ही ज़ीरा पाउडर डाल दिया, और ज़्यादा कुछ नहीं इसमें डाल रहे हैं। और हस्ब ज़रूरत इसमें नमक और थोड़ा ऑयल डालेंगे, और यहाँ पे थोड़ा मेरे पास धनिया पत्ता पुदीना था तो ये काट कर हमने डाल दिया। अगर आपके पास हो तो ज़रूर पुदीना डालना, बहुत अच्छा इसका टेस्ट इसमें आता है। तो धनिया जो था ये भी फ्रेश था तो इसको भी काट कर डाल दिया, और ये एक मीडियम साइज़ की प्याज जो है वो आधी काट लिया, और 2 छोटी मिर्चें हरी वो डाला है। तो यहाँ पे सारी चीज़ों को डालकर और सबको एक बार तेल नमक सब डालकर अच्छी तरह से एक बार इसको हाथ से मिला लेना होगा। तो नमक अब डाल देते हैं यहाँ पे, और नमक के बाद थोड़ा आप तेल डाल देंगे, और तेल डालकर इसको अच्छी तरह से मिला लेंगे एक बार। हमने यहाँ पे रिफाइंड ऑयल का यूज़ किया है, आप चाहें तो देसी घी या फिर वेजिटेबल घी जो होती है वो डाल लें, तो कोई भी चीज़ डाल लें। थोड़ी सी हल्की सी खस्ता के लिए डालना है, और सबको डालकर एक सख्त डो इसका गूंदना है, ज़्यादा मुलायम नहीं रहेगा। तो ये जिस तरह से दिखा रहे हैं हम कि दबा दबा कर सबको अच्छी तरह से प्याज वगैरह को सबको अच्छी तरह से मल लेना है। मल कर अब इसमें थोड़ा थोड़ा पानी देकर गूंदना होता है, और आप चाहें तो इसमें अजवाइन डाल दें, अच्छा होता है डाइजेशन के लिए। तो यहाँ पे हमने कलौंजी डाला है थोड़ा, और डालकर सबको थोड़ा थोड़ा पानी देकर इसी तरह मलते हुए गूंद लेना है। तो आप सब अगर चैनल पर फर्स्ट टाइम विज़िट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल भी प्रेस कर दें, ताकि आने वाली सारी वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिल जाए। तो बहुत ही आसान है इसे बनाना, और खाने में बहुत मज़े का लगता है। तो इसी तरह मिलाते हुए इसको अच्छी तरह से देखिए एक अच्छा सा डो लगा लिया है, और लगाने के बाद अब इसको ढककर 10 से 12 मिनट के लिए इसको रहने देंगे, ये अच्छा से सेट हो जाए। देखिए इस तरह का डो लगाना है। आप अपने घर में इसे ट्राई करें, और आपके घर वाले जब खाएंगे एक बार तो बराबर आपके घर में इस रेसिपी की फरमाइश आएगी। और बहुत झटपट से बनाना, आप भी खुश हो जाएंगे कि इतना आसान है बनाना, और घर वाले भी खुश हो जाएंगे कि उनको भी एक अच्छी सी चीज़ खाने मिल जाएगी। तो बस सोच क्या रहे हैं, जल्दी से अपने घर में भी बनाएं, ट्राई करें और फीडबैक दें जो आप लोगों से कैसा बना, आप लोगों के घर में किस तरह से पसंद किया गया। पूरा डो अच्छे तरह से गूंद लिया तो थोड़ा ऑयल लगा कर इसे कवर करके रहने देना है। उसके बाद मिलते हैं आप लोगों से, रेस्ट मिल जाए आटे को, उसके बाद थोड़ा एक बार और इसे मल लेना होगा खोलकर। मलने के बाद ये छोटी छोटी एक लेमन से बड़े साइज़ की गोली बना लेना है, और मोटा ही मोटा इसे बेलना है। तो बेलकर दिखाते हैं आप लोगों को, फाइनली बनाकर दिखाते हैं कि किस तरह का ये बनकर तैयार होता है। और आप इसे चाहे तो सॉस के साथ इंजॉय करें, पर मेरे घर में बेटा तो सॉस के साथ खाता है, पर हम इसी तरह पसंद करते हैं, इसी तरह अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। मेरे घर में सबको ही बहुत पसंद आता है। देखिए इस तरह से गोली काट काट कर रख लिया है, और एक बार सबको काट कर रख लेंगे, जितनी ज़रूरत है उतना बना रहे हैं। अब अपनी ज़रूरत के हिसाब से सारी चीज़ें लें, जिस तरह से हमने बताया है। अब देखिए इस तरह से गोल बना लिया,
बनाकर बेलकर सबको एक साथ रख लेना है। उसके बाद फ्राई करते हैं, फ्राई करके आप लोगों को दिखाते हैं। बस इतना ही बेलना और इसे ज़्यादा नहीं बेलना है। देखिए एक बेल लिया है, इसी तरह सबको एक साथ बेलकर रख लेंगे, उसके बाद फ्राई करेंगे। मेरे चैनल पे इसी तरह से और भी आसान आसान बहुत रेसिपी है, बहुत ज़्यादा सारी रेसिपी अच्छी है, जो घर में अच्छी बनती है, अच्छी होती है, वही रेसिपी यहाँ पे आप लोगों के लिए शेयर करते हैं कि आप लोगों को भी पसंद आए, आप लोग भी बनाएं, ट्राई करें। तो आप लोग मेरे चैनल पे विज़िट करें और देखें, आप लोग को ज़रूर सारी रेसिपी पसंद आएगी, उम्मीद करते हैं। और इसी चैनल नेम से मेरा इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, आप वहाँ भी फॉलो करें। और वीडियो के रिलेटेड कुछ पूछना है, कुछ सवाल करना है तो आप वहाँ कर सकते हैं। तेल जब अच्छी तरह से गर्म हो जाए तभी डालें। और यहाँ पे तेल हमने रिफाइन यूज़ किया है, तो आपको बहुत ज़्यादा तेल को गर्म नहीं रखना है, हल्की तव में तलना है आपको, हल्की आंच में, मीडियम फ्लेम रखकर, क्योंकि ये थोड़ी मोटी है तो कच्ची रह जाएगी। और आपको फ्लेम का अंदाज़ खुद ही समझना होगा कि यहाँ पे किस तरह का फ्लेम रखना है, और कच्ची मोटी जब होती है तो वो कच्ची रह जाती है। तो आराम आराम से आप इसको, अब बहुत भी लो नहीं रखेंगे, नहीं तो वो बहुत ज़्यादा सख्त हो जाएगी। तो मीडियम फ्लेम पे इसको साइड चेंज कर करके फ्राई कर लिया है, और बहुत कम इसमें तेल अब्सॉर्ब करता है और बहुत ज़्यादा ऑयली नहीं होता है, तो उस बात का भी फिक्र नहीं है कि हाँ बहुत ज़्यादा इसमें तेल अब्सॉर्ब कर लिया है तो नुकसान होगा, तो वो सब भी नहीं है। बहुत कम इसमें, क्योंकि सूजी वगैरह ज़्यादा तेल नहीं इसमें अब्सॉर्ब करता है, तो बहुत ही अच्छा और हेल्दी नाश्ता है। तो ये हल्का फुल्का लाजवाब सा घर की ही चीज़ों से बनने वाला ज़बरदस्त सा ये नाश्ता तैयार हो चुका है टी टाइम पर आपका। तो आप सब ज़रूर बनाएं, इसे ट्राई करें, दुआओं में याद रखें, अपना ख्याल रखें, अपने प्यारों का ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।